और यूपी का मूड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। रामपुर लोकसभा सीट के चमरोआ इलाके के शहरी इलाकों में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां की जनता से इनका मिजाज जानने के लिए इन्हीं के बीच पहुंचे हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, तो चलिए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर इनके मुद्दे क्या है और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वो अपना वोट करेंगे। जी अभी तो आसिम रजा का मूड है। भाजपा भाजपा ये है कि भाजपा में तीन बार दो बार महीने में गल्ला मिल जाए, गरीब आदमी सभा में तीन महीने में एक बार मिलता है, इसलिए अब की बार भाजपा हो जाएगा। भाजपा का सांसद जी 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 बहुत अच्छा है, कैंडिडेट की वजह से ही वोट डालेंगे जी। कमल पे देंगे, कमल के फूल पे, कमल का फूल जीता हुआ। कमल का फूल क्यों? कमल का फूल जीता, हर साल जीतता रहेगा, जिनकी फर्ज जीतता रहेगा। काम किया कुछ कमल के फूल ने? नाच फ्री बांट रहा, बिल माफ कर रहा, 5 साल का साइकिल का। क्यों काम किया है समाजवादी? काम तो किया, काम नहीं किया, सब काम किया था, क्या काम किया था? भाजपा नहीं कर रही, वही कर रही। आपकी पसंद? साइकिल है। सांसद होने चाहिए घनश्याम लोधी। क्यों? एपी से। आसिम रजा नहीं? वो आते आगे देखते हैं तो फिर होंगे क्या? घनश्याम लोधी आते हैं वो तो जी। सब आएगी जो हम जिसको मतलब जो हमारे लिए काम करेगी हम उसको वोट देंगे। काम किया है सपा ने? जी काम किया है हमारे हर वक्त में, रामपुर को इतना अच्छा बना दिया, अब उनकी सरकार नहीं है इसलिए ऐसा हुआ है कि कोई काम नहीं हो पाया। जब देखिए सरकार ही नहीं तो काम क्या हुआ। जब सरकार ये मैडम हमने आज तक समाजवादी को ही वोट दिया है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, इस बार हमारा मन जो है चेंज है। उम्मीद है भाजपा आएगी तो काम करेगी? हाँ बिल्कुल, पूरी उम्मीद है जब उनकी पूरी सरकार है। सांसद भी भाजपा का ही? भाजपा का ही होना चाहिए, जब भी तो तभी तो विकास होगा, यहाँ आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ। आसिम राजा को देंगे, समाजवादी पार्टी से नए चाह रहे हैं मैडम, आजम खान साहब से हटके थोड़े नए चाह रहे हैं, थोड़ा अच्छा काम करेंगे, तो ये उम्मीद है कि आसिम राजा आपको वोट दिए। घनश्याम सिंह उन्हें नहीं देंगे, बीजेपी का कुछ रामपुर में नहीं है, हो सकता है वो उधर से, यहाँ कुछ विकास उनका नहीं है, वो स्टेट में है, उन्हें यहाँ भी करना चाहिए, विधानसभा में थोड़ा सा कुछ करना चाहिए, फिर अलग जा करना चाहिए, करते नहीं है कुछ वैसा, वो समाजवादी है वही करती है वही करती है। भाजपा, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल भाजपा ने काम किया है और भाजपा की सरकार में हमें इतना फायदा, गरीबों को राशन भी दिया है, उसके बाद किसानों को पैसा भी दिया है, जिसमें हमारे यहाँ कोई चोरी डकैती किसी रंग की कोई बलवा तक नहीं है यहाँ, और सबके काम होते हैं। जो आजम खान ने खड़ा करा है जिसे भी वो जीते। आसिम राजा? हाँ आसिम राजा। बीजेपी नहीं? बीजेपी को भी आज जाते हैं वोट, ये थोड़ी नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं जिसके। आपका वोट किस? हमारा तो आसिम राजा को जाएगा। अच्छा कौन सांसद? सांसद वही बनेंगे आजम खान से जो खड़ा करा हूँ। आसिम राजा? आसिम राजा। क्यों भाजपा नहीं? उन्हें भी मिला मरिया से कब नहीं गई चल रहा आजम खान का। हाँ आपकी पसंद? उन्हीं की जो उनकी पसंद है वो हमारी है। काम काज हुआ है यहाँ पे? काम काज तो वो खुद जेल में थे, क्या काम काज होता। सपा के विधायक तो है, विधायक जी आए थे कुछ करते? ना वो तो नहीं आए, ये हमने तय तो कुछ नहीं करा फिलहाल, क्योंकि इलेक्शन जो हो रहा है बहुत जल्दी हो रहा है और कम टाइम के लिए हो रहा है। काम किसने किया आपके यहाँ उसके आधार पे करेंगे ना? यहाँ तो काम क्या होता, वो अंदर पड़ा था जीतने के बाद, तो काम तो हुआ ही नहीं। सांसद अब किसको चाहते हैं, भाजपा का सांसद होना चाहिए सपा का? अब ये तो टाइम बताएगा, अभी हमने कुछ तय नहीं करा, तुम्हें नहीं बताएंगे वोट के बारे में, वोट के बारे में नहीं बताएंगे, 23 को जहाँ भी मोल लगेगी बिल्कुल सही लगाएंगे, सही जगह पे, बाकी बताएंगे नहीं किसको देना। काम वाम हुआ है कुछ आपके? काम वाम कुछ नहीं हुआ हमारे जिले में, काम नहीं, हमारे यहाँ तो विधायक बने हुए उन्होंने 5 साल से कोई काम नहीं कराया, और ना आप वो जीत गए ना आप कहीं निकले हैं। वो जीतना जिसकी सरकार है वो जीतना चाहिए, घनश्याम जीतना चाहिए, किसानों के बीच का आदमी है, हमारे पड़ोस का आदमी है घनश्याम सिंह लोधी, पहले भी MLA से उतरता, अपने लोगों की सुनता है बातचीत।
जमरोहा शहरी क्षेत्र भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। नसीर अहमद खान यहाँ से मौजूदा वक्त में विधायक है, इससे पहले भी वही यहाँ से जीते थे। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लेकिन मुद्दे भी यहाँ पर कई सारे हैं। शिक्षा की परेशानी है, शिक्षा लोगों को मिल नहीं पाती क्योंकि स्कूल नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं मुहाल है, यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। और इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जनता भी अब अपना मन बना रही है कि इस बार उन्हें किसके लिए वोट देना है और किन मुद्दों को ध्यान में रखना है। सांसद कौन बनेगा? सांसद अगर पिछली बार की तरह आजम खान साहब खड़े होते तो पूरे पूरे चांसेस थे, लेकिन इस बार सीट खतरे में है। घनश्याम सिंह लोधी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट है उनकी, पूरी ऑल इंडिया और स्टेटों में भी ज्यादातर उन्हीं की है, इसलिए विकास होगा, विकास की वजह से उन्हीं को होना चाहिए। सांसद भी भाजपा का ही होना? जी जी। विधायक तो सपा? विधायक सपा के हैं तो काम तो हो नहीं पाएगा उनसे, अब सांसद की वजह से काम हो जा, क्योंकि विधायक अब नसीर खान पहले भी जीते थे, इस बार भी जीते हैं, पिछली बार भी नहीं आए थे वो, इस बार भी केवल एक दो बार आए, अब पूरे 5 साल नहीं आए। चमरोआ में शहरी इलाके की जनता क्या सोच रही है ये तो हमने इनसे जाना, इनके मुद्दों को समझने की कोशिश की और ये भी समझा कि यहाँ की जनता अपना मन बना चुकी है कि किन मुद्दों पर इस बार यहाँ की जनता को वोट देना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।